दोस्तों आज तीन आ, फिनेंस सेक्टर के काउंटर्स के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं हम लोग और आपको बताएंगे कि उनके लेबल्स कहाँ पर हैं अगर करेक्शंस आ रहे हैं तो कितने लेबल्स तक आ सपोर्ट लेगा और क्या रजिस्टेंसेज रहेंगे ये तीनों ही काउंटर अपने आप में दिग्गज हैं बट कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर में वीकनेस के चलते आ, इन्होंने अपने काफ़ी लोअर लेबल्स भी दिखाए थे उसके बाद कुछ रिकवरीज भी आई हैं लेट्स ही स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पर इन काउंटर्स के सपोर्ट्स हैं और कहाँ पर इनके रजिस्टेंसेज हैं तो सबसे पहला जो काउंटर हमारा रहेगा तो उस काउंटर का नाम है हमारा डी एच एफ एल ठीक है दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हम सभी को पता है कि डी एच एफ एल ने किस तरह से एक ही दिन में सिक्सटी सेवन परसेंट की गिरावट दिखाई थी मार्केट में और बड़े बड़े निवेशकों का पैसा डूब गया था इस काउंटर में एक बहुत बड़ा निवेश राकेश झुंझुनवाला का भी है जिनको एक बहुत बड़ा नुकसान फ़िलहाल इस काउंटर में चल रहा है बट उन्होंने स्टिल इस, इस काउंटर में अपनी पोजिशंस को क्लोज नहीं किया बल्कि जून से सेप्टर क्वार्टर के बीच में उन्होंने अपनी पोजिशंस को कुछ और स्ट्रांग किया है और कुछ और क्वांटिटीज को एड ऑन किया है लोअर लेवल्स पर तो चलिए जानते हैं डीएचएफएल के बारे में कहां पर इसके सपोर्ट एंड एक्सटेंसेज है एट प्रेजेंट जो इसका करंट प्राइस है वो टू ट्वेंटी टू रुपीज का यानी कि डीएचएफएल अभी दो सौ बाईस रुपए पर ट्रेड कर रहा है एंड यहां से जो डीएचएफएल का सपोर्ट रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं एक बार कहां पर सपोर्ट मेंटेन कर रहा है डीएचएफएल तो ये आ, वीकली चार्ट पे बात करेंगे बिकॉज वीकली चार्ट आ, थोड़ा सा आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू आपको दिखा देगा कि लगभग छः से बारह महीने का जो नेक्स्ट व्यू व्यू पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा तकरीबन अगले छः महीने के अंदर जो काउंटर के अंदर नेक्स्ट सपोर्ट जोन आता है वो आ, आप नोट करके रख लीजिएगा जो पहला सपोर्ट सपोर्टेबल लगभग रहेगा वो लगभग वन एटी के आसपास रहेगा यानी डी में जो सपोर्ट वन है वो वन एटी का रहेगा और अगर वन एटी के नीचे वीकली क्लोजिंग आ जाती है डी के अंदर तो फिर आपको नेक्स्ट 150 से वन फिफ्टी को मिल सकता है दोनों ही केसेस में बात करेंगे जब बियरिशनेस रहेगी यानी कि जब गिरावट का दौर रहेगा तब कहां पर सपोर्ट लेंगे और जब बुलिशनेस रहेगी तब कहां पर रेजिस्टेंसिस बनेंगे आगे तो जो पहला सपोर्ट रहेगा डीएचएफएल का वो वन एट्टी का आप लगाइएगा वीकली चार्ट क्लोजिंग बेसिस पर और अगर बेनि के नीचे की वीकली क्लोजिंग आती है देन डेफिनेटली आपको तो 150 से 155 के लेवल डीएचएफएल में देखने को मिलेंगे तो ये दो सपोर्ट होगा इसके अलावा जो नंबर वन जो रेजिस्टेंस है इसका पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो तकरीबन 235 से 240 का रहेगा यानी कि अगर 235 से 240 की रेंज को क्रॉस करते हुए तो मैं आपको फाइनली जो रेजिस्टेंस बताऊंगा वो टू फोर्टी का रहेगा यानी कि अगर वीकली क्लोजिंग 240 के ऊपर आती है देन काउंटर में एक और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है जो कि काउंटर को तकरीबन टू से लेके टू एट्टी टू के आसपास की रेंज तक लेके जा सकता है तो दो रजिस्टेंस होगा पहला रेजिस्टेंस जो हो गया इसका 235 से 240 फोर्टी की रेंज का हो गया एक बार 240 फोर्टी के ऊपर की क्लोजिंग आती है देन डेफिनेटली आपको टू एट्टी तक के लेबल डी एच एफ एल में देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर उसमें वापस प्रॉफिट टेकिंग या प्रॉफिट बुकिंग का दौर स्टार्ट हो सकता है तो ये डी एच एफ एल के बारे में था बाकी डी एच एफ एल में अगर हम बात करते हैं बिजनेस ओरिएंटेड या फंडामेंटल्स मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती डी एच एफ एल में जो गिरावट रही वो आ, उसकी जो बॉन्ड डील थी उसको लो इंटरेस्ट रेट पर बेचने के कारण जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट हुए थे केवल वही एक कारण था आ, कुछ लिक्विडिटी के भी इश्यूज हैं बट एज पर दी सीईओ और जो एमडी थे उनके हिसाब से डी में किसी भी तरह से लिक्विडिटी इशू नहीं है तो ये डी का काउंटर के बारे में अगर आप लोग लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं

अगर हम आज के सिनारी को बात करते तो तकरीबन एक हज़ार के लेवल पर ट्रेड कर रहा है पी हाउसिंग और लगभग आज साढ़े छः परसेंट का अपमूव भी दिखाया जो कि काफ़ी अच्छा अपमूव है आज के मार्केट में यहाँ पर आप देखेंगे पीएनबी हाउसिंग ये रहा वीकली चार्ट और बहुत ही बढ़िया इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है जिसके ऊपर अभी जा चुका है वो तकरीबन नाइन नाइन्टी सिक्स का था अब यहाँ से इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया और अगर फ्राइडे की क्लोजिंग तक ये काउंटर 996 या yeah, 1000 के ऊपर की क्लोजिंग रहती है देन डेफिनेटली उसके बाद ये आपको आने वाले हफ्तों में ये काउंटर तकरीबन वन से लेकर वन के लेवल दिखाएगा यहाँ पर जाके 1080 के लेवल के आसपास जाके उसमें कुछ कंसोलिडेशन आ सकता है बट फॉर द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया तो मुझे लगता है कि पी हाउसिंग इज़ ए वेरी गुड काउंटर आप उसको रख सकते हैं अगले एक से दो सालों के लिए मुझे लगता है अगले दो साल के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो वापस ये काउंटर आपको पंद्रह से सत्रह तक के लेवल अगले दो साल में दिखा सकता है सो so, यहाँ से नेक्स्ट जो रजिस्ट्रेंस लेवल रहेगा डी एच हाउसिंग का वगभग वन थाउजेंड एट्टी का रहेगा और जो सपोर्ट लेवल है वो नाइन का फर्स्ट सपोर्ट एंड अगर नाइन नाइनटी टू टाइम नाइन फिफ्टी विल बी द सेकंड इम्पॉटेंट सपोर्ट डे विल दी एन बी हाउसिंग सो ये पी एन बी हाउसिंग के बारे में बात किया इसके अलावा जो नेक्स्ट काउंटर हमारा आता है वो इंडिया बोल्स हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड इंडिया बोल्स हाउसिंग की बात करते हैं इंडिया बोल्स हाउसिंग ने भी काफ़ी करप्शन शो किया है पीछे मार्केट में और हम देखते हैं इसके भी कुछ चार्ट्स को एक बार देख लेते हैं इंडिया बोल्स ने आप देखेंगे कि जो अपना हाई टच किया था लगभग चौदह सौ रुपये के आस का हाई टच किया था फिलहाल अपने हाई से ये 50 परसेंट करक्शन पर अवेलेबल है लगभग सेवन हंड्रेड रुपीज़ के आसपास एक काउंटर आपको मिल रहा है टेली चार्ट पे और अगर हम यहाँ से आ, वीकली चार्ट की बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करेंगे वो लगभग सिक्स फिफ्टी रुपीज़ के आसपास का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट है इंडिया बोल्स हाउसिंग फिनेंस लिमिटेड में यहाँ से अगर सिक्स फिफ्टी का लेबल ब्रेक होता है तो आपको फिर सिक्स हंड्रेड तक के लेबल्स इंडिया बोल्स में मिल सकते हैं बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि काउंटर में काफ़ी काउंटर नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी यहाँ से मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे की गिरावट है तीस पैंतीस रुपये और करक्शन आया तो आया अदरवाइज़ यहाँ से एक रिकवरी आएगी और रिकवरी आती है जो फर्स्ट रजिस्टेंस रहेगा एंडबल्स हाउसिंग में वो तकरीबन रहेगा आपको लगभग 850 से लेके 870 रुपए तक यानी एक बार 870 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी काउंटर के अंदर तो फिर 870 के ऊपर की अगर एक बार काउंटर में क्लोजिंग आ जाती है 870 के ऊपर वीकली क्लोजिंग चली जाती है देन उसके बाद एक छोटा सा रेजिस्टेंस ज़रूर है जो कि लगभग 930 या 935 रुपए के आसपास है बट उसके बाद काउंटर आपको हायर लेवल्स 1100 प्लस तक के दिखा सकता है सो so, इंडिया बोल्स हाउसिंग में भी जब भी आपको डिप मिलती है जो भी आपको गिरावट मिलती है अगर सिक्स या सिक्स या सिक्स के आसपास भी अगर काउंटर आपको दिखाई देता है देन आप उसमें क्वान्टिटीज को ऐड कर सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की जो वीकनेसेस हैं जो भी बैड सेंटीमेंट्स हैं वो जैसे ही ओवर हो जाएंगे फाइनेंशियल सेक्टर एक अच्छी रिकवरी दिखाएगा और आपको ये काउंटर्स जो आज अपने हाई से फिफ्टी परसेंट करेक्टेड रेट पर जो अवेलेबल मिल है वो वापस अपनी ग्लोरी को टच करेंगे और आपको शानदार मुनाफा भी कराएंगे दोस्तों तो ये तीन काउंटर्स के बारे में हमने बात की इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड डी इन तीनों ही काउंटर्स में मैं आपको होल्ड की सलाह दूंगा अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप जो भी डिप आए एक करप्शन के मोड में खरीदिएगा जो सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको बताया उन सपोर्ट्स के आसपास अगर आपको मिलता है देन आप वहाँ पर बाई कीजिएगा स्टॉप लॉसेस के साथ एंड जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर आप, आप, आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपस से मैं तीनों ही काउंटर्स को फिलहाल होल्ड करने की सलाह दूंगा और आ, फ्रेश बाइंग के लिए अभी नहीं बोलूंगा पी एन बी हाउसिंग ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है सो वेट कीजिएगा करक्शन का डी एच एफ एल में अगर आपको वन एट्टी से टू हंड्रेड के बीच का रेंज अगर मिलता है डी एच एफ एल में डेफिनेटली आप इसमें क्वांटिटीज़ को एवरेज डाउन कर सकते हैं और इंडिया बोल्स हाउसिंग में मुझे करंट प्राइस भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं मुझे लगता है इंडिया बोल्स हाउसिंग में आप करंट प्राइस पर क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं बाकी पी एन बी हाउसिंग में वेट कीजिए करेक्शन का एक बार करेक्शन आएगा देन आप इसमें क्वांटिटीज़ को फ्रेश पोजीशंस को बनाइएगा दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे कुछ नए काउंटर्स के साथ कुछ नए रिव्यूज़ के साथ तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और जो भी निवेश करें उसको बहुत सोच समझ के प्रॉपर एनालिसिस के साथ कीजिएगा क्योंकि आपका पैसा बहुत ही मेहनत का पैसा उसको आप बहुत समझदारी से सही समय पर और सही स्ट्रेटजी के साथ अगर लगाएंगे तो आपको हमेशा मुनाफा ही होगा So, दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा नमस्कार दोस्तों